नमस्कार दोस्तों। तो ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो इस समय निकल कर के सामने आ रही है, जिस तरह से विभिन्न राज्यों के अंदर जो दूसरे राज्यों के जो खासतौर से मजदूर भाई फंसे हुए थे, उनके द्वारा लगातार जो मांग की जा रही थी कि उन्हें राज्यों के द्वारा जो है वो अपने गृह राज्य के अंदर पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो की जाए, तो इसको लेकर के गृह मंत्रालय की तरफ से जो है वो बड़ा यहाँ पर आदेश निकल कर के सामने आया है। और इसके अंदर उन्हें जो है वो अपने गृह राज्य पहुँचाने के लिए जो अनुमति पत्र है या एक चिट्ठी है वो यहाँ पे जो है वो रिलीज़ की गई है। तो जो मजदूर भाई हैं या जो भी दूसरे राज्य के प्रवासी हैं, उनको जो है वो बसों के द्वारा अपने गृह राज्य के अंदर जो है वो पहुंचाया जाएगा। इसके लिए बसों को जो है वो सबसे पहले तो सैनिटाइज़ किया जाएगा और इसके बाद में उन्हें जो है वो उन बसों के द्वारा पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ जिन राज्यों से होकर के बसें गुजरेंगी उनके लिए जो है वो अनुमति भी दूसरे राज्य से जो है वो लेनी पड़ेगी। यानी जो दो राज्य जिनके माध्यम से बसें गुजरेगी तो उनके बीच में जो है वो समन्वय स्थापित किया जाएगा। इसके साथ साथ में बात करें तो घर लौटने के बाद भी सभी पैसेंजर्स की जो है वो जांच होगी। और इसके साथ साथ में अगर कोई संदिग्ध पैसेंजर पाया जाता है, यानी अगर किसी के अंदर कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण पाया जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर उन्हें जो है वो होम क्वारंटाइन जो है वो रहने के लिए कहा जाएगा या उन्हें रहना पड़ेगा। तो इसके बारे में दोस्तों जो ये फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, इसके ऊपर आपकी क्या राय है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। फिलहाल वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।